करते हैं कि उसने एक बार फिर से हम सबके जीवन में ये शाम दिखाई। और हम वर्शिप करने से पहले, प्रभु की आराधना करने से पहले, ऐना के साथ जाएंगे जो योना की प्रार्थना को हमारे सामने बोलेगी, जिसकी एज अभी 7 ईयर्स है, और हम उसके साथ प्रार्थना में जाएंगे। योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि उसने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, उसने उसकी सुन ली। अधोलोक के उदन में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया, मैं धाराओं के बीच में पड़ा रहा, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से आता गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पे सिवाल लिपटा हुआ था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने उसको स्मरण किया, मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर की ओर पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यय वस्तु पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु उच्च शब्द से तेरा धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करेगा, उधाई यहोवा से होता है। तब यहोवा ने मुझको आज्ञा दी और उसने उनको स्थल पर उगल दिया। आमीन। तो
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने अपना हाथ हम सब के ऊपर बनाए रखा है। प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए एक प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमको फिर से ये अवसर दिया कि हम आपके वचन के द्वारा बात करने पाएँ पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति को स्थान पर मांगती पिता, और चाहती प्रभु जबकि मैं वचन बोलने पर हूँ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मेरे संग रहने पाए। अपनी सामर्थ को मुझे दीजिएगा, अपनी अनॉइंटिंग को दीजिएगा। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द लोगों से बात करने पाए प्रभु, उनके जीवनों में एक बदलाव का कारण ठहरने पाए। प्रभु, हर एक जन को जो इस वचन को सुन रहे हैं पर पिता, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको सुनने वाले कान दीजिएगा परमेश्वर, और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा पिता। हर एक बात को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 5 और 6 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि मैं ही क्यों। ये मैं ही क्यों जो सवाल है, हम सब के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि मैं ही इस परिस्थिति से क्यों गुजरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। और जब ये सवाल हमारे जीवन में आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम प्रभु से पूछने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों। और जब ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो सिर्फ ये 2 बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ये सिचुएशन आए। पहला तो तब जब हमें पता होता है कि हम परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, और दूसरा जब हमें लग रहा होता है कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है। और जब कोई गड़बड़ी हमारे जीवन में पाई जा रही होती है तो हम परमेश्वर से पूछना चाहते हैं कि प्रभु ऐसी क्या गड़बड़ी है जो हमारे जीवन में पाई जा रही है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को परमेश्वर से पूछते हैं, क्योंकि वो अपनी नज़रों में बिल्कुल ठीक होते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन में हर एक काम परमेश्वर की इच्छा से कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अपनी नज़रों में ठीक होते हैं, परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं होते। अपनी नज़रों में वो परफेक्ट होते हैं, उनको लग रहा होता है कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम वो सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को ठीक लगते हैं। लेकिन बहुत सी बार हम जो कर रहे होते हैं वो परमेश्वर की गाइडेंस में नहीं होता है। तो प्रियो, जब भी आपके जीवन में ये सवाल आए कि मेरे साथ ही ऐसी परेशानियाँ क्यों हो रही हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हैं, या फिर मैं ही क्यों, परमेश्वर तो और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस कठिनाइयों को भेज सकते हैं, इन परेशानियों को भेज सकते हैं, है ना। और अद्भुत बात यह है कि हम ये सवाल परमेश्वर से तब नहीं पूछते जब हमारे जीवन में सक्सेस हो रही होती है, हम हैप्पीनेस को पा रहे होते हैं, हम सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। तब हम प्रभु से कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर मैं ही क्यों, तूने मुझे ही क्यों चुना सक्सेस को देने के लिए, तूने मुझे ही क्यों चुना हैप्पीनेस को देने के लिए, है ना। जब हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तब हम कभी नहीं पूछते परमेश्वर से कि पिता मैं ही क्यों। लेकिन जब परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं तब हम परमेश्वर से पूछते हैं कि मैं ही क्यों, है ना। तो पहला काम जो हमें करना है जब हमारे जीवन में ये सवाल आए कि मैं ही क्यों, वो काम है कि आपको अपने जीवन का निरीक्षण करना है। आपको जांचना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी वो बात पाई जा रही है जिसके कारण ये विपत्तियाँ मुझ पर बार बार आ रही हैं, है ना। बहुत सी बार मैं स्पिरिचुअल वे में इस बात को आपसे करती हूँ, जब हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बार बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही होती हैं, परेशानियाँ आ रही होती हैं, तो हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। और हम पता क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दुआ करने की जगह अपने जीवन में शैतान को ऑर्डर देने लगते हैं, शैतान तू मेरे जीवन से दूर हो जा, है ना।
हम ये तो नहीं कहते कि प्रभु तू बता कि मेरे जीवन में क्या कमियां हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे जीवन में कठिनाइयों को लेकर आ रही हैं। हम शैतान को डांटने लगते हैं, शैतान की ही गलती है, शैतान ही मेरे जीवन में टेम्पटेशंस लेकर आ रहा है, ट्रायल्स लेकर आ रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको आज एक बात सिखाना चाहती हूँ। अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हैं लेकिन आप परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं हैं, आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप करें, आपको एक काम करना है कि आपको अपने जीवन का निरीक्षण करना है, प्रभु को अपने सामने रखना है और उससे पूछना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी कौन सी गलत बात है जिसके कारण यही सेम विपत्ति मेरे ऊपर बार बार आ रही है। कई बार हम अधिक गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना ठीक है, कभी कभी हम सबको गुस्सा आ जाता है ना, परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि ठीक है गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। लेकिन कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम बार बार गुस्सा कर रहे होते हैं, हर छोटी छोटी बात हमें इरिटेट कर रही होती है और हम परमेश्वर से कह रहे होते हैं परमेश्वर ये इंसान मेरे सामने आकर मुझे बार बार इरिटेट करता है, या फिर ये चीज़ बार बार मेरे सामने आके मुझे इरिटेट करती है। और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं तो तेरे साथ सही चल रहा हूँ तब भी तू मेरे सामने इस पर्सन को बार बार भेज देता है। लेकिन पता है जब परमेश्वर आपके सामने किसी ऐसे इंसान को भेज रहे हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, जो आपके जीवन की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, जो चुगली कर रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातों को फैला रहे हैं, हमें लग तो रहा होता है उस समय कि ठीक है मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं। लेकिन परमेश्वर आपको ही सिखा रहे होते हैं कि आपको नम्र बनना है, आपको दीन बनना है, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि बहुत सी बार हम अपनी नज़रों में ठीक है, हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा का फल है कि हमें संयमी रहना है, हमें प्रेमी बनना है ना, वो हमारे जीवन से कई बार गायब होते दिखते हैं। जबकि परमेश्वर तो यही बोलते हैं कि आत्मा का फल हम सबके अंदर पाया जाना चाहिए, अगर ये नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रीति पर नहीं चल रहे हैं। तो बहुत सी बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम आत्मिक रीति पर ठीक नहीं चल रहे होते हैं, आत्मा के फल नहीं पाए जा रहे होते। लेकिन हाँ, काम सारे हम परमेश्वर के नाम पर ही ठीक कर रहे होते हैं, हम चर्च जा रहे होते हैं, हम अच्छी मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, हम अच्छी मिनिस्ट्री को कर रहे होते हैं, हम कॉलेज में एक्सेल कर रहे होते हैं, हम स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं, हम मुंह से गालियाँ नहीं निकालते है ना, हम बहुत शांत होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि हमें पेशेंस को लाना है अपने जीवन में, आत्मा के फलों को हमारे जीवनों में होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमें बार बार गुस्सा आ रहा है और अगर हम इस पे जयवंत नहीं हो पा रहे हैं तो परमेश्वर आपके सामने बार बार उसी व्यक्ति को जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है, जिसके कारण आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, उसी व्यक्ति को और उन्हीं सिचुएशंस को आपके सामने बार बार लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन सिचुएशन से बाहर आ जाएं, आप उस युद्ध को जीत लें और आपके अंदर आत्मा के फल पाए जाएं। क्योंकि ये कह देना कि परमेश्वर मैं ही हूँ या फिर शैतान को डांट देना सॉल्यूशन नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखना है कि प्रभु मैं अपनी नज़रों में आज तक ठीक था लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं आपकी नज़रों में ठीक हूँ कि नहीं हूँ। मैं धन्यवाद आप धन्यवाद करना आरंभ करें कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ताड़ना को भेजा। प्रियो, इब्रानियों 3:12 और उसका 6 पद हमें इस बात को बताता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, अगर आपके जीवन में बार बार परमेश्वर की ओर से ताड़नाएं आ रही हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, बार बार आप परिस्थितियों में फंस रहे हैं, तो ये बात आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और तभी वो बार बार आपको डांट रहे हैं, वो आपको डिसिप्लिन में लाना चाह रहे हैं कि नहीं तू मेरा बेटा है तू डिसिप्लिन में चल, तू मेरी बेटी है तू पेशेंस को जीत, ते अंदर पेशेंस होना चाहिए, तो इतनी जल्दी से किसी भी बात पर बिगड़नी नहीं चाहिए, तो पेशेंस को लूज़ मत कर, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम रखते हैं वो उनको अपना पुत्र बना लेते हैं और उनको कोड़े भी लगाते हैं, तो हमें तो कोड़े नहीं लगे है ना, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर के पुत्र थे उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए सह लिया, उन्होंने कभी नहीं कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ही क्यों। तो प्रियो, हमें भी नहीं कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ही क्यों। अगर ताड़ना आ रही है तो आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को
अच्छा करिए, उसके सामने पूछिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी है मुझे बताइए। पहली बात तो ये हुई कि हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कमियाँ पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हमें पता होता है कि हम प्रभु के साथ ठीक चल रहे हैं और प्रभु भी, क्योंकि हम आत्मा में जान जाते हैं इस बात को कि मैं प्रभु के साथ ठीक चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ अच्छी वॉक को कर रहा हूँ, है ना, और तब भी हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं और उस सिचुएशन में हम एक इमोशनल फेज में चले जाते हैं कि प्रभु मैं तो सब कुछ तेरे साथ कर रहा हूँ, सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे साथ भी समय बिता रहा हूँ, जैसा तू बोलता है तेरी गाइडेंस को फॉलो करता हूँ, फिर भी ये विपत्तियाँ मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं। हम तब इमोशनल हो जाते हैं कि प्रभु क्यों। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं इन दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन जब हम अपनी नज़रों में ठीक है तब हम परेशान होंगे, है ना, लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़रों में ठीक है तब हम परेशान नहीं होंगे, तब लॉर्ड हमारे जीवन में एक सेटिस्फैक्शन को डाल देंगे कि ठीक है तेरे जीवन में ये परेशानियाँ आ तो रही हैं लेकिन मैं तुझे इनसे एक अच्छी जीत की ओर लेकर जा रहा हूँ। जब तू इन चीज़ों से इस ग्राउंड, हम एक ग्राउंड लेवल पर है, परमेश्वर हमें यहाँ तैयार कर रहे होते हैं कि हम एक अच्छे लेवल पर जाकर उसका प्रचार करने पाए, हम उसकी सेवकाई के लिए तैयार होने पाए। पता है हर एक जीवन में ताड़नाएँ नहीं आती, प्रभु जिससे प्रेम रखते हैं सिर्फ उसके ही जीवन में ताड़नाएँ आती हैं और परमेश्वर उसके जीवन में ताड़नाओं को लेकर आते हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें खराब हैं, तब आपके हृदय में एक सेटिस्फैक्शन होगा कि ठीक है प्रभु, अगर ये तेरी ओर से है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जयवंत हूँ। पहली सिचुएशन में तो परमेश्वर आपको बार बार डायरेक्शन देंगे, बार बार आपको डिसिप्लिन कराने की कोशिश करेंगे कि नहीं तू इसी राह पर चल, यही सही राह है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप खुद परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी राह पर चलूँ, जैसे तूने अपना जीवन इस संसार में रहकर बिताया वैसे ही मैं भी अपना जीवन तेरे साथ बिताऊं। प्रियो, अय्यूब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमें पता होता है कि हम परमेश्वर की नज़रों में ठीक है और परमेश्वर भी इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि हम परमेश्वर की नज़रों में ठीक हैं, तब हमारे लिए ये बात को कहना कि मैं ही क्यों, है ना, आसान तो हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन होता है कि मुझे पता है जो मेरे पर परेशानियाँ आ रही हैं वो प्रभु की ओर से हैं और मैं इन पर जयवंत हो जाऊँगा, मैं अच्छी जीत को पाऊँगा। जब अय्यूब पर परेशानियाँ आई, जब अय्यूब के ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ प्रभु ने डाली, जबकि परमेश्वर ने ही बोला था कि एक धर्मी जन है जो कि मेरी नज़रों में है, एक धर्मी जन मेरी नज़रों में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की नज़रों में वो धर्मी जन था, सब कुछ बेस्ट करता था, वो जैसा परमेश्वर के लोग होने चाहिए वैसे ही था, है ना, फिर भी उसके ऊपर ट्रायल्स आई, फिर भी टेम्पटेशन आई, फिर भी विपत्तियों में फंस गया। हम तो ऐसी विपत्ति में फंसे भी नहीं, हम तो बस गुस्से में और छोटी छोटी बातों में हम फंसते हैं। विपत्तियाँ आती हैं घर की ओर से, ऑफिसेस की ओर से, कॉलेजेस में, या फिर जिन लोगों से हम मिल रहे होते हैं वहाँ से परेशानियाँ आती हैं। लेकिन अय्यूब की सिचुएशन जैसी थी वैसी सिचुएशन हम में से किसी के ऊपर नहीं आई है अभी तक। फिर भी जब अय्यूब इतना करेक्ट था, उसने इस बात को बोला, जब मैं आपके सामने पढ़ूंगी अय्यूब 42 उसका 5 और 6 पद, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। प्रियो, जब तक अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं देखा था, वो इस बात को जानता था कि मैं धर्मी हूँ और परमेश्वर भी कहते थे कि ये धर्मी जन है, लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर को अय्यूब ने अपनी आँखों से देख लिया, तब अय्यूब ने बोला कि इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। वो अपनी नज़रों में बेस्ट था, वो परमेश्वर की नज़रों में बेस्ट था, लेकिन फिर भी जब उसने परमेश्वर को देख लिया अपनी आँखों से, तब उसको ये महसूस हुआ कि मैं कितना ज़्यादा गलत हूँ कि उसके मुख से ये शब्द निकले कि मुझे अपने जीवन से घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इतना राइटियस पर्सन, इतना धर्मी मनुष्य, लेकिन फिर भी जब उसने परमेश्वर को देख लिया तो उसने बोला कि मैं पश्चाताप करता हूँ अपने जीवन के लिए। प्रियो, हो सकता है हम परमेश्वर की नज़रों में ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमने आज तक परमेश्वर को ना देखा हो, परमेश्वर के साथ एक अच्छे जीवन को व्यतीत ना करा हो। इसलिए परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में उन चीज़ों को लेकर आ रहे हो कि हम परमेश्वर के साथ और ज़्यादा समय बिताएं और उसकी उपस्थिति में बैठें। तो प्रियो, हमने दो बातों को सीखा है। पहला, कि जब हम गलत होते हैं
अपनी नज़रों में तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम गलत है, तो परमेश्वर बार बार उन चीज़ों को हमारे सामने लाएंगे, तब तक हम उस बैटल पर, है ना, एक बैटल चल रहा होता है हमारी जीवनों में, जो बार बार उस बैटल में हम फंसते जाते हैं। और परमेश्वर भी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, तो वो ताड़नाओं को लाते हैं हमारे ऊपर, और वो कहते हैं कि जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल आओगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, है ना। तब तक हम उस ताड़ना से अपने जीवन में एक अच्छी चीज़ों को नहीं लेकर आ जाएंगे, तब तक परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर बार बार उस ताड़ना को हमारे जीवन में लेकर आएंगे, इससे कि हम सही मार्ग पर चलने पाए। और दूसरा, जब हम परमेश्वर की नज़रों में परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमारी परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई है, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। कभी कभी वो हमें टेस्ट करेंगे, है ना, जिससे कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें, हम व्याकुल हो जाएं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, उसके साथ और गहरे संबंध में आना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और जिस दिन आप उसको देख लेंगे, तब हमें यकीन हो जाएगा कि हमने तो कोई सेक्रीफाइस करा ही नहीं है। प्रियो, होने पाए कि हम सब जब इस ताड़नाओं से गुजरें, तो हम परमेश्वर को अपने समीप रखने पाएँ, उससे पूछने पाएँ कि परमेश्वर, ये ताड़ना मेरे जीवन में क्यों आ रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय और उसकी 22 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन ताड़नाओं को सहते हैं, जो तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस पृथ्वी पर रहकर कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने पाएं। और वचन ने आपको क्लियर कर दिया है कि हमें इन ताड़नाओं को सहना है, हमें इस क्लेश को उठाना है। जिनके जीवन में ऐसे क्लेश नहीं आ रहे हैं, उनको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जिनके जीवनों में ऐसी चीज़ें बार बार आ रही हैं, जो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार वो पूछते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आईं, तो प्रियो, आपके लिए वचन है कि आपको इन क्लेशों को उठाना अनिवार्य है। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तभी करने पाएंगे जब आप परिपक्व हो जाएंगे, जब आपके अंदर आत्मा का फल पाया जाएगा, और जब आप परमेश्वर की राहों पर चलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की राहों पर चलना सीखा। वो जब तक इस संसार में रहे, उन्होंने सारी ताड़नाओं को सहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ही क्यों। तो प्रियो, अगर आज आपके ऊपर ये ताड़नाएँ आ रही हैं, तो आप परमेश्वर से, पहला काम तो आपको ये देखना है कि आप परमेश्वर के साथ सही हैं कि नहीं है। अगर आप सही नहीं हैं, तो आप जान लीजिए इस बात को कि परमेश्वर आपको डिसिप्लिन होना सिखा रहे हैं, आपको सही राह पर चलना सिखा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, आपको पता है कि आप ठीक है, जिस प्रकार अय्यूब को पता था कि वो ठीक है, और परमेश्वर ने भी गवाही दी थी कि ये मेरा धर्मी जन है, तो इसी प्रकार अगर आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने गवाही दी है, हम आत्मा में जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, तो तब इस बात को आप जान लीजिए। अगर आपके ऊपर फिर भी ताड़नाएँ आ रही हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने पर हैं, वो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में रख रहे हैं, आपको इस बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर तैयार कर रहे हैं कि आप उस बड़ी सेफकाई को करने पाएँ, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने पाएँ, और बहुत सी बातों को पूरा करने पाएँ जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं कि आप करें। प्रिय, होने पाए कि हम सब जने इन ताड़नाओं को सहकर परिपक्व हो जाएं, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाएं। आइए हम सब एक प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने इस वचन को हमको दिया। प्रभु, सचमुच बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, जब हम ये सवाल खुद से और आपसे करते हैं परमेश्वर, कि मेरे ही जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, या फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। लेकिन हमने इस बात को आज इस वचन के द्वारा जान लिया है कि परमेश्वर, जब भी ये मैं ही क्यों का सवाल हमारे जीवन में आए, हमें अपने जीवनों को आपके समक्ष रखना है और आपसे पूछना है कि प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे हमें दूर करती हैं और इन ताड़नाओं को बार बार हमारे ऊपर लेकर आती हैं। क्योंकि हम जानना है परमेश्वर, हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं और आप हमसे प्रेम रखते हैं, आप नहीं चाहते कि हम अपना जीवन व्यर्थ में बिताएं, आप चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन लाइफ जिए, हम ऐसी लाइफ जिए जो आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, इन सारी ताड़नाओं को सहने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिएगा और हमें इस योग्य बनाइएगा कि हम आपकी महिमा करने पाएं,
आपके साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाएं। हर एक बात को प्रभु, हर एक उस जन को परमेश्वर जिसने इस वचन को सुना है प्रभु, और इसके उसके मन में भी ये सवाल आया होगा प्रभु कि मैं ही क्यों। परमेश्वर हम विश्वास करते कि आपने उनके सवालों को आज क्लियर करा होगा पिता, और वो आज से आपके साथ एक गहरे संबंध में आने पाएंगे। वो अपने जीवन का निरीक्षण कर परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी वॉक को करने पाएंगे। हर एक जन को परमेश्वर जिसने इस वचन को सुना उसको आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने